दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दलित को गले लगा रहे हैं तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात में अंबाजी माता के दरबार पहुंचे, पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया। पार्टन के रोड शो में सिसोदिया ने एक बार फिर से गुजरात बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हाथ जोड़े ध्यान लगा, ये तस्वीर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की है। दिल्ली छोड़कर मनीष सिसोदिया अभी गुजरात में पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने में जुटे हैं। मुकाबला पीएम मोदी के गढ़ में है, इसलिए एक अच्छे संस्कारी हिंदू की छवि भी दिखानी है। नवरात्रि के पहले दिन मनीष सिसोदिया गुजरात के पवित्र अंबाजी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। भक्ति भाव से मां के दरबार में बैठे पुजारी जी ने माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। सिसोदिया के साथ गुजरात आप के वरिष्ठ नेता यशुदान गढ़वी भी थे। हालांकि यहां सिसोदिया को देखकर मोदी समर्थकों ने मोदी मोदी के खूब नारे लगाए। विरोध को नजरअंदाज कर यहां से निकले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, इस प्राचीन शक्तिपीठ में मां अम्बे साक्षात विराजमान हैं, अपनी कृपा दृष्टि गुजरात और देश पर बनाए हुए हैं। अम्बे माई के चरणों में देश के हर बच्चे की अच्छी शिक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना। इससे पहले पाटन के सिद्धपुर में सिसोदिया का रोड शो गाजी बाजी के साथ निकला। सिसोदिया यहां 6 दिनों की तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उत्तर गुजरात में सिसोदिया को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। एक रोड शो के दौरान सिद्धपुर के बंद पड़े हॉस्पिटल को देखकर उन्होंने फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आज अस्पतालों की हालत खराब है, आपके सिद्धपुर में 70 करोड़ से एक हॉस्पिटल बनाया, खंडर बन के पड़ा हुआ है, अस्पताल चलाना नहीं आता उनको। केजरीवाल जी को स्कूल भी चलाने आते हैं, अस्पताल भी चलाने आते हैं, सरकार चलानी आती है। गुजरात के पाटन का ये अस्पताल पिछले 10 साल से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई मरीज और ना ही इस अस्पताल में जाने का कोई रास्ता है। और 2013 में करीबन 60 से 70 करोड़ की लागत से गुजरात सरकार ने यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल बनवाया था, लेकिन अस्पताल राजनीतिक खेल का खाड़ा बन गया है। आज ये अस्पताल खंडर बन चुका है। साफ है आम आदमी पार्टी के निशाने पर गुजरात का विकास मॉडल है। पाटन से विपिन प्रजापति के साथ आज तक ब्यूरो।